नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और आप ओयस्पा देख रहे हैं। बताना ज़रूरी पड़ता है क्योंकि ओयस्पा आपको बार बार जोड़ रहा है ओशो महोत्सव से, जहां एक तरफ शहर के लोगों में ओशो महोत्सव को लेकर एक उत्साह की लहर है, वहां दूसरी तरफ लोग ओशो ट्रेल को लेकर भी काफ़ी उत्साहित हैं। ओशो ट्रेल देने वाले जो शहर को थे वो थे डॉक्टर प्रशांत कौरव, शहर का गौरव कह लीजिए या डॉक्टर प्रशांत कौरव जी कह लीजिए। काफ़ी सारे साहित्यिक कार्यक्रमों में शहर को एक नई पहचान दी है इन्होंने, और आज हमारे साथ डॉक्टर प्रशांत कौरव जी हैं। तो आइए बात करते हैं ओशो ट्रेल के विषय में, उसके रजिस्ट्रेशन के विषय में कि कैसे लोग आ सकते हैं और ओशो ट्रेल में क्या क्या खास होगा। नमस्कार प्रशांत जी। नमस्कार। देखिए, शासन को साधुवाद है कि उन्होंने अपने तीन दिवसीय फॉर्मेट को मिनट टू मिनट डिसाइड कर रखा है और हम उस पूरे कार्यक्रम को यथा समय जिस तरह के सीक्वेंस में वो कार्यक्रम है उसका हम लोग आनंद ले रहे हैं, सहभागिता कर रहे हैं। मगर चूंकि हमारी परंपरा रही है कि हम 11 दिसंबर को बोधि वृक्ष मौलीश्री के पास पहुंचकर अपने सद्गुरु ओशो का जन्म दिवस वहाँ पर मनाते रहे हैं, तो सभी मित्रों ने ये तय किया कि 10 तारीख को, चूंकि 11 से हमारे शासकीय, अब तो चूंकि जैसे कि हमें सूचना मिली है कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी भी इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं, तो हम 11 से 13 के कार्यक्रम को बिल्कुल भी अप्रभावित किए हुए मगर अपनी परंपराओं को भी निभाते हुए हम लोगों ने ये तय किया। सभी का आग्रह था कि 10 तारीख को शाम को 5:30 पर हम वहाँ पर वाइट रोब ब्रदरहुड मेडिटेशन करेंगे। इसी तरह की एक दूसरी बड़ी उमंग से भरी हुई बात थी ओशो ट्रेल की, जिसका आपने जिक्र किया। तो पिछले 3 सालों से कहीं ना कहीं ओशो ट्रेल ने पूरी दुनिया का ध्यान जबलपुर की ओर खींचा है। सबसे पहले जब स्मार्ट सिटी के साथ मिलकर हमने इसे एक वैश्विक मान्यता देने का प्रयास किया था, तो मित्रों के पुरजोर आग्रह के बाद 14 तारीख को सुबह 8:30 हम लोग ओशो ट्रेल भी आयोजित कर रहे हैं, जिसके लिए हमने एक अलग लिंक दी है जो आपको अभी नीचे दिखाई जा रही है। इस लिंक में जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स और एक पूरी प्रोसेस दिखाई दे जाएगी। मसलन जैसे आप इसको इसमें अपना रजिस्टर्ड करते हैं, इसमें चूँकि हमारी ये जो तीन दिन की ओशो महोत्सव की संयोजना है ये पूरी तरह से निःशुल्क है, मगर ओशो ट्रेल में हम आपके स्वागत में कोई कमी नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए इसमें हमने कुछ शुल्क रखा हुआ है। उस शुल्क का विवरण उसमें दिया हुआ है और जैसे आप उसे रजिस्टर्ड करेंगे एक QR शीट आपके मेल ID पर जनरेट होगी। आप चाहें तो उसका एक स्क्रीनशॉट बनाकर रख सकते हैं और जो दिए हुए नंबर हैं उन पर कृपया WhatsApp के जरिए कम से कम अपने आने वाले लोगों की संख्या आप अवश्य बता दें, क्योंकि हमें भी ये अपेक्षित है कि आप सिर्फ 14 तारीख को तो आएंगे नहीं, आप तो ओशो की इस नगरिया में 10 तारीख से ही आ जाने वाले हैं, तो हमारी आपकी मुलाकात भी होगी, इस बीच में आप बाकी औपचारिकताएं भी पूरी कर सकते हैं। एक बार फिर इस संगमरमर के शहर में आपका स्वागत है। प्रक्रिया आपको बता दी गई है। वीडियो के नीचे आपको यहाँ पर एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ जानकारियाँ देनी होगी। एक बहुत ही मिनिमम शुल्क रखा गया है, उस मिनिमम शुल्क को आपको पे करना होगा। उसके बाद एक QR कोड जनरेट होगा, QR कोड का स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने पास रख लें, उस कोड को लेकर आप हमारे पास आएँ, हम आपको दिखाएंगे संगमरमरी वादियों का शहर जबलपुर। जय जबलपुर, जय ओशो। नमस्कार।